मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, वाईफाई एग्जाम आईक्यू यूट्यूब चैनल पर। तो जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इस वीडियो में हम सिंगुलर और प्लूरल नंबर के विषय में जानते हैं कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कैसे बनाते हैं आप। ठीक है, तो सिंगुलर की हिंदी होती है एक वचन और प्लूरल की हिंदी होती है बहुवचन। तो पहला आपके सामने है, देखिए, काऊ। काऊ मींस होता है गाय। काउच, काउज मींस गायें। एस का एस या ई एस लगा देते हैं तो बहुवचन या प्लूरल बन जाता है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। अब देखिए कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर ई एस लगेगा, वो हम आपको बता देंगे। बुक, बुक मींस एक किताब। बुक्स मींस किताबें। ए एन टी आंट मीन चीटी। आंट्स माने चीटियाँ। सी एच ए आई आर चेयर माने कुर्सी। चेयर्स माने कुर्सियाँ। ठीक है, आगे देखिए। टीचर मींस अध्यापक और टीचर्स मींस बहुत सारे अध्यापक। डॉग मींस कुत्ता। डॉग्स मींस कुत्ते। हाउस मींस घर। हाउसेस मींस बहुत से घर। शॉप मींस दुकान। शॉप्स मींस बहुत सी दुकान। शॉप की स्पेलिंग क्या होती है, एस एच ओ पी। ठीक है, शॉप मींस दुकान। शर्ट, एस एच आई आर टी, शर्ट मींस पहनने की कमीज, और शर्ट्स इसका प्लूरल बनेगा। इसके बाद है सी एल ए डबल एस, क्लास मींस कक्षा। तो क्लासेस, कक्षाएँ, ई एस लगा देंगे इसमें। ए डबल एस आस मीन गधा, आसेस। अब इसमें ई एस क्यों लगा है, जिस मीनिंग के अंत में डबल एस आ जाए तो वहाँ उसके साथ ई एस जोड़ते हैं, याद रखिएगा। जहाँ पर एक्स आ जाए तो उसमें भी ई एस जोड़ते हैं, जैसे कि आ गया है बॉक्स। बॉक्स में क्या होगा, बी ओ एक्स। बॉक्स मीन्स एक संदूक। बॉक्सेस बहुत सी संदूकें। डब्ल्यू ए टी सी एच वाच मीन घड़ी। वाचेज घड़ियाँ। जहाँ पर लास्ट में सी एच आ जाए तो उसके साथ भी ई एस जोड़ते हैं, याद रखिएगा। डबल एस आ जाए तो ई एस जुड़ेगा, एक्स आ जाए तो ई एस जुड़ेगा, सी एच आ जाए तो ई एस जुड़ेगा, और एस एच आ जाए तो भी इसमें ई एस ही जुड़ेगा। आगे देखिए वाचेज। इसके बाद एफ आई एस एच, फिश मींस मछली। अब देखिए इसमें एस एच आ गया तो इसमें ई एस जुड़ा। फिशेस मींस मछलियाँ। फॉक्स मींस लोमड़ी। फॉक्सेस मींस लोमड़ियाँ। बी आर यू एस एच ब्रश, और बी आर यू एस एच फिर उसमें एस एच के साथ ई एस जोड़ेंगे, ब्रुशेस। ब्रश मींस ब्रश, टूथपेस्ट वाला ब्रश। इसके बाद है बुश, बी यू एस एच। बुश मींस झाड़ी, और बी यू एस एच ई एस जोड़ेंगे, बुशेस मींस झाड़ियाँ। बी आर ए एन सी एच ब्रांच मींस शाखाएँ, शाखा। ब्रांच मींस शाखा, और ब्रांचेज मींस शाखाएँ। इसमें भी ई एस जुड़ेगा क्योंकि सी एच है। एल ए डी वाई लेडी, लेडी माने औरत। अब जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा लेडीज। तो जब लास्ट में वाई अक्षर हो तो वाई हटा करके, वाई हटा के क्या लगा देते हैं, आई ई एस, याद रखिएगा। आई ई एस प्लूरल बनाने के लिए जिस मीनिंग के अंत में वाई हो, और जब प्लूरल बनाएंगे तो आई ई एस जोड़ देंगे। जैसे फैमिली, फैमिली मीन परिवार, एफ ए एम आई एल वाई। तो वाई आया तो वाई हटा दीजिए और क्या जोड़ देंगे, आई ई एस। इसी प्रकार से बी ओ डी वाई बॉडी मीन शरीर। तो बॉडीज, वाई हटा के आई ई एस। बी ए बी वाई बेबी मीन बच्चा। तो वाई हटा के आई ई एस जोड़ दीजिए, बी ए बी आई ई एस बेबीज।
बॉडीज फैमिलीज, स्टोरी मीन कहानी STORY, तो वाई हटा के IES जोड़ देंगे, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ, COUNTRY, कंट्री मीन देश, तो वाई हटा के क्या जोड़ देंगे IES, कंट्रीज मीन्स बहुत से देश, FLY फ्लाई मीन उड़ना, वाई हटा के IES जोड़ देंगे, फ्लाई मीन्स मक्खी भी होता है और फ्लाईज मीन्स मक्खियाँ, ठीक है। हमेशा नाउन का ही प्लूरल बन पाएगा, अगर कोई वर्ब होगी तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा, फ्लाई अगर हम कहेंगे कि उड़ना तो उड़ने का बहुवचन नहीं बन सकता, हमेशा संज्ञा का बहुवचन बनता है, क्रिया का बहुवचन नहीं बनता। आगे देखिए, बहुत प्यारे क्वेश्चन थे ये, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल नंबर। अब इसके बाद हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ मीनिंग है आपके लिए, ठीक है। हम रोज़ एक मीनिंग से संबंधित, वोकैब से संबंधित वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। आइए इन मीनिंग को स्टडी करते हैं। BEGIN, बिगिन, BEGIN, बिगिन मीन्स शुरू करना, बिगिन मीन्स शुरू करना। ASK, आस्क, ASK, आस्क मीन पूछना। ENTER, इंटर मीन प्रवेश करना। FALL, फाल मीन्स गिरना। FLY, फ्लाई मीन्स उड़ना या उड़ाना। EAT, ईट मीन खाना। TAKE, टेक मीन लेना। USE, यूज मीन प्रयोग करना या उपयोग करना। SEE, मीन देखना। PLAY, प्ले मीन खेलना। OPEN, ओपन मीन खोलना। MAKE, मेक मीन बनाना। LEARN, लर्न मीन्स याद करना या सीखना। KEEP, कीप मीन रखना। JUMP, जंप मीन कूदना। GIVE, गिव मीन देना। READ, रीड मीन पढ़ना। TEACH, टीच मीन पढ़ाना। DRY, ड्राई मीन सुखाना। इसके बाद CLEAN, क्लीन मीन साफ करना। CATCH, कैच मीन पकड़ना। COOK, कुक मीन पकाना, भोजन पकाना। CRY, क्राई मीन चिल्लाना या रोना। और आगे देखिए, थोड़ी सी मीनिंग और है, वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। वाश, WASH, वाश मीन धोना। WEAR, वियर मीन पहनना। WANT, वांट मीन चाहना। इसके बाद देखते हैं, TRY, ट्राई मीन कोशिश करना। MONEY, मनी मीन्स धन। HONEY, हनी मीन्स शहद। GETUP, गेट अप मीन उठना। LESSON, लेसन मीन पाठ। KNOW, नो मीन जानना। LIKE, लाइक मीन पसंद करना। FONDOF, फॉन्ड ऑफ मीन शौकीन। READY, रेडी मीन तैयार। आगे देखिए, HELP, हेल्प मीन सहायता करना। LEAVE, लीव मीन छुट्टी। LETTER, लेटर मीन्स पत्र। COLOUR, कलर मीन रंग। DISTRI, BUTE, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना या वितरित करना। DISTRIBUTE मीन्स बांटना।
BRAVE ब्रेव बहादुर, ब्रेव माने बहादुर। STOP स्टॉप रुकना। SOLDIER सोल्जर सैनिक। SELL सेल बेचना। STORY स्टोरी कहानी। तो आज हमने इस वीडियो में बहुत अच्छी वोकैब भी तैयार कर ली और सिंगुलर प्लूरल भी पढ़ लिया, जो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, आप ध्यान से मेरे साथ पढ़ेंगे, मैं आपको होशियार बना के छोड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि उस शिक्षा का लाभ गांव उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे जो शिक्षा से वंचित है। जिन बच्चों को इंग्लिश डिफ़िकल्ट लगती थी, मेरे साथ पढ़ने के बाद और आप स्वयं भी अगर कोशिश करेंगे तो फिर वो डिफ़िकल्ट लगना बंद हो जाएगी, फिर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत इजी लगने लगेगा। तो आप लोग, मैं भी मेहनत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप भी मेरे साथ मेहनत करो। यदि आपको सफलता हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, ठीक है, आपको जो भी बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, मेरा संदेश उन बच्चों के लिए है कि जो अभी भी गरीबी में जी रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं जिनके माँ बाप और बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है कि आप लोग मेरे साथ अध्ययन करिए। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, एजुकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। सफलता ही, सफलता की कुंजी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? शिक्षा। शिक्षा, अगर आप शिक्षा के नेत्र आपके खुल गए तो आप मानो आपके सामने से पूरा अंधकार मिट जाएगा। जिस दिन शिक्षा आपके अंदर प्रवेश कर गई, उस दिन सारा अंधकार दूर हो जाएगा, फिर आपको हर जगह प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। तो आप लोग मेरे साथ मेहनत करो मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आप अपना भी नाम रोशन करोगे, अपने परिवार का भी नाम रोशन करोगे, अपने गांव का, अपने समाज का और अपने देश का भी नाम रोशन करोगे। ठीक है, आप लोग, कितनी बार आपको समझ में नहीं आएगा, जितनी बार आपको समझ में आए उतनी बार आप ये वीडियो देखिए, उतनी बार ये मीनिंग पढ़िए। आपको, मैं आपके साथ हूँ, मुझे आप हमेशा अपने पास में महसूस करिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आप फील करो और बस पढ़ते जाओ। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से आपसे कुछ महत्वपूर्ण ग्रामर के टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय।